हेलो अच्छा तो वहां से निकलने की क्या व्यवस्था हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से? अभी तो कुछ नहीं है। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मकसूद अहमद। मकसूद अहमद जी, जो रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, वहाँ पर आप लोग भी MBBS के लिए बच्चों को भेजने का काम करते हैं, क्या स्थिति है और क्या हालात है वहाँ? जी हमला हुआ है, उसमें हमारे इंडिया के काफ़ी बच्चे वहाँ पर हैं, मगर बच्चे हमारे सब सेफ है अभी। वहाँ पर बहुत दिक्कतें हो रही हैं, ATM में पेमेंट नहीं है वहाँ। आपके परिवार से भी कुछ लोग हैं वहाँ? जी हमारे परिवार से भी, छोटे भाई है हमारे डॉक्टर मसरूर है वहाँ, हमारी भांजी है। क्या स्थिति है उनकी? सही है, क्यों मैं मसरूर भाई वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि वो इनके लिए कोई विशेष विमान लगा करके इनको इंडिया लाया जाए। अच्छा मकसूद भाई, यहाँ नजीबाबाद से आसपास के कितने बच्चे होंगे वहाँ? नजीबाबाद से भी हमारे 10-12 बच्चे हैं यहाँ से। किस लिए गए हुए थे वहाँ? सब MBBS करने गए हुए हैं एजुकेशन के लिए। आखिरी बार बातचीत कब हुई है बच्चों से? बच्चों से मेरी आज भी बात हुई, आज सुबह मेरी बात हुई है उनसे। बच्चे सही है सब हमारे, हॉस्टल में। क्या चाहते हो आप? हम तो ये चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इनको वहाँ से निकालने की कोशिश करें, विशेष विमान लगाए और इनको इंडिया लाए।